आज ये देखिए हमने बहुत ही मज़ेदार किस्म की बर्फ़ी बनाई है। ये ब्रेड और छुहारों की बर्फ़ी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत हेल्दी। छुहारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, सर्दियों में तो और ज़्यादा अच्छे होते हैं, रेशा खांसी को ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमने किस तरह बनाई है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्वीट तैयार करने लगी हूँ ब्रेड से, ब्रेड और छुहारों की मदद से। ये छुहारे हैं, मैंने ले लिए हैं तकरीबन 25-26 छुहारे हैं ये, और 9 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के हैं। तो मैं ब्रेड और छुहारों से मिठाई तैयार करूँगी, ब्रेड छुहारा बर्फ़ी। तो ये जो ब्रेड है 9 स्लाइसेस ब्रेड के हैं और 25-26 छुहारे हैं। छुहारों की मैंने गुठलियाँ जो हैं वो निकाल दी हैं। तो अब ऐसा है कि मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग से पीस लेती हूँ, ग्राइंडर कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको जो है वो इस तरह इसके क्रम्स बना लिए हैं ब्रेड के। ये तकरीबन 5 कप जो है वो बन गई है ब्रेड हमारे, जो 5 कप बन के तैयार हुए हैं पीस के। और यहाँ पर जो छुहारे मैंने कश किए हैं, ग्राइंडर कर लिए हैं इसको मैंने। ये देखें इसका टेक्स्चर जो है ये एक दानेदार किस्म का बन गया है, ठीक है जी। और अभी मैंने जो इसके लिए चीनी ली है वो तकरीबन 1.5 कप चीनी ली है। तो अगर हम चख लेंगे कम ज़्यादा हुई तो हम बाद में और डाल लेंगे। इसके अलावा यहाँ देगची में मैंने 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच जो है वो घी रख दिया है गर्म होने के लिए। घी गर्म होता है तो फिर हम इसमें डालते हैं चीज़। घी जी गर्म हो गया है, अब इसमें हम ब्रेड डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से डाल देते हैं ब्रेड आराम से। देखिए जी, तमाम ब्रेड जो है वो डाल दी है, फ्लेम जो है वो लो है और हमने इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि ये क्रिस्पी सी हो जाए। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको चलाएंगे ताकि इसकी जो ब्रेड वाली खुशबू लुक जायका है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने वाली है। और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं 1 से 2 मिनट, फिर मैं आपको बताती हूँ। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से चला लिया है। आपने चम्मच मुसलसल चलाना है, बिल्कुल भी आपने इसको नीचे लगने नहीं देना और फ्लेम का ख्याल रखना है आपने। और हमने इसकी रंगत बदलने तक इसको जो है वो फ्राई करना है, और रंगत काफ़ी हद तक बदल भी चुकी है, लेकिन हम अब इसको 2-3 मिनट तक और सिकाई करते हैं इसकी। देखिए जी, हमने तकरीबन 3 मिनट मज़ीद भून लिया है, यानी कि कुल हमने इसको 5 से 6 मिनट तक जो है वो इतना रोस्ट कर लिया है और इसकी रंगत काफ़ी बदल गई है, ये कुछ श्रिंक भी हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम शामिल करते हैं चीनी, लेकिन चीनी जो है वो मैं फ़िलहाल आधी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 या 1.25 कप इसमें चीनी मैंने शामिल की है। और अब इसको हम चलाएँगे इसके साथ, चीनी के साथ इसको, ठीक है जी, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको चीनी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स किया है, इसको चीनी के साथ हम इसको हिला रहे हैं तब से, ये देखें। और अब हम यहाँ पर तकरीबन 1/2 कप दूध शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से तेज़ी से हिलाते हैं। अगर आपको कम लगे दूध तो आप दूध को थोड़ा सा और शामिल कर सकती हैं, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छे तरीके से हम भुनाई शुरू करते हैं। अब यहाँ आपने हलवे के जैसी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। ये चिपकेगा, थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भुनना है। और यहाँ पर हम छुहारे शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। देख सकते हैं जी, अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है, तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इसको भूनने में, और ये बहुत ही सख्त हो गया है, आपने इसको नीचे लगने नहीं देना। ये देखें, मैंने बहुत ही इसको मुश्किल से, यानी कि इसको घुमाया है, ये बहुत सख्त हो जाता है, आपने इसी तरह करना है, बहुत सख्त करना है इसको और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने एक ट्रे लेकर उसको घी लगा लिया है अच्छे तरीके से, और अब हम इसको इसमें निकालते हैं। ये देखिए जी, हमने इसको निकाल लिया है और अब हम इसको इसमें सेट करते हैं, अच्छे तरीके से इसमें जमा देते हैं सेट करके।
मैं आपको जमा के दिखाती हूँ इसको लगाकर। देखिए जी, हमने इस तरह जो है वो इसको जमा दिया है, ये देख सकते हैं आप, जमा दिया है। और इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर छोटा छोटा सा नारियल डाल रही हूँ, और ये नारियल जो है इसको आपने डालने के बाद, कोई भी जो भी ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डालने के बाद आपने इस तरह हाथों से इसको दबा देना है, ताकि ये इसके अंदर जो है वो चिपक जाए। ठीक है जी, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, ये देखें, और अभी थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर हम जो है इसको काटेंगे, इसकी शेप से, इसको किसी भी शेप से काट लेंगे। आपने दबा देना है, जो भी ड्राई फ्रूट आप डाल रहे हैं इस तरह प्रेस कर दें उसको। ठीक है जी, अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है जी, और ये हमारी जो बर्फ़ी है ब्रेड की और छुहारों की, ये ठंडी हो चुकी है और जम चुकी है। अब हम इसको काट लेते हैं जितने साइज़ में हमें चाहिए, और जितनी हमें इसकी शेप जैसी रखनी है हम उस तरीके से इसको जो है वो काट लेते हैं। ये देखिए, मैं इस तरीके से काट रही हूँ। आप अपनी मर्जी की शेप में काट लें और अपनी मर्जी के साइजेस में काट लें। देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। देखिए, इसी तरीके से सारी काटती हूँ मैं। देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार हमारी बर्फी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, ब्रेड और छुहारों की। और मैंने इसे चखा है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत परफेक्ट मीठा है। तकरीबन एक कप मैंने चीनी डाली थी इसमें, डेढ़ कप निकाल ली थी लेकिन मैंने एक कप इसमें चीनी डाली थी, और जो वो बिल्कुल सही हुई है। और इसी तरीके से बनाइएगा, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सबसे ये कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।